शेयर बाजार लाइव में आपका स्वागत है, मैं हूं डिंपी कालरा। मैं हूं निशा नैयर धवन। आज भी बहुत सारे इवेंट्स, न्यूज़ डेवलपमेंट्स हैं जिनको हमें ट्रैक करना है। ग्लोबल मार्केट से भी क्यूज मिल रहे हैं। अगले एक घंटे में हमारे एक्सपर्ट्स भी होंगे जो आपको बताएंगे मार्केट में क्या करना है, कौन से शेयर खरीदने हैं, कौन से शेयर बेचने हैं। आज वैसे काफ़ी सारे न्यूज़ डेवलपमेंट्स हैं, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्यूज भी जो हमें देखने पड़ेंगे। चाइना और कोरिया की मार्केट बंद है लेकिन, पर अगर हम यूएस मार्केट्स देखते हैं वहाँ हमने अच्छा परफॉर्मेंस देखा। S&P फिर से रिकॉर्ड हाई पे बंद हुआ है। तो पिछले कुछ 10 दिनों के जो सेलिंग प्रेशर आ रहा था, अब हमें देखा एक्सपायरी के बाद जो जब सीरीज शुरू हुई तब थोड़ा सा संभाला मार्केट, और अब यही होप रहेगा कि मोमेंटम चलता ही रहे इस हफ्ते भी। खैर ये ज़रूरी भी है क्योंकि तीन चार ट्रिगर हैं जिसपे बाजार आज फिर से आपको प्ले करता हुआ दिखेगा। वो तीन ट्रिगर्स में से एक तो पहला तो RBI पॉलिसी, हालांकि मॉनेटरी कमेटी की पॉलिसी बैठक आज से शुरू हो जाएगी, फैसला कल आएगा। जिसमें आप ज़्यादा फ्लैशेस देख पा रहे हैं ना, यही मार्केट का सबसे ज़्यादा फ्लैश करने वाला पॉइंट है। SBI लाइफ, ये बाजार की लाइफ को बढ़ा सकता है। हालांकि ये एक अच्छा लिस्टिंग प्लेयर होगा, ना केवल लिस्टिंग गेन वाला प्लेयर होगा, एक अच्छा लिस्टिंग प्लेयर हो सकता है। इसके अलावा फिच ने भी अनुमान घटा दिया GDP का। ये तीसरी रेटिंग एजेंसी ऐसी है जिसने भारत की रेटिंग को 7% या उससे नीचे कर दिया है। अब भारत के लिए फिर से चैलेंज है कि इन सभी रेटिंग एजेंसी को यहाँ पे जवाब दिया जाए। इसके अलावा रिकॉर्ड ऊंचाई पर डीजल है दिल्ली NCR के अंदर, तो 59 रुपीज पर लीटर के हिसाब से रिकॉर्ड दरों पर इस समय पहुंच रहा है। और अब तो पेट्रोल डीजल में कोई ज़्यादा फर्क भी नहीं है, 70 रुपए का पेट्रोल है और डीजल 59 का तो ऑलरेडी हो ही चुका है। ये तो फिर जो ऑयल डीरेगुलेशन हुआ था उसके बाद तो ये आई थिंक होना ही था। पर अब थोड़ा देख लेते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट्स में क्या क्यूज मिल रहे हैं हमें। SGX निफ्टी अभी 7878, नियरली 1/4% हायर। तो जो इंटरनेशनल क्यूज मिल रहे हैं वो आज हमारे लिए अच्छे हैं। एशिया में भी हम मजबूती देख रहे हैं। द निके इस आप मोर देन 150 पॉइंट्स। आज चाइनीज मार्केट्स और कोरियन मार्केट्स बंद रहेंगी, पर इंटरनेशनल क्यू स्ट्रॉन्ग है। अगर आप US मार्केट्स को भी देखते हैं तो S&P रिकॉर्ड हाई पे बंद हुआ है, जबकि डिम्पी वहाँ एक बहुत दर्दनाक इंसिडेंट हुआ लास वेगस में, जहाँ एक शूटर ने नियरली 60 लोगों को मार दिया जो एक कॉन्सर्ट में गए थे। और ये बहुत ही सैड इंसिडेंट था। और अगर आप कल की मार्केट्स में देखते हैं तो जो गन मेकर्स के शेयर्स हैं US में वो बढ़े, और जो ये जो रिजॉर्ट्स और कैसीनो वाले शेयर्स हैं, विन है, लास वेगस सैंड्स है, ये सब नीचे गिरते रहे। पर US मार्केट्स पे इतना फ़र्क नहीं पड़ा। डाउ जोन्स 150 पॉइंट ऊपर, S&P रिकॉर्ड हाई पे बंद हुआ। पर ये मार्केट का मोमेंटम है एक्चुअली, उनके वहाँ पे भी इसी तरह से कि नेगेटिव खबर अभी दरकरार हो रही है और लगातार बाजार चल रहा है। जैसे आज इंडियन स्टॉक मार्केट में भी हम देख सकते हैं जो फिच की रेटिंग है, सब चीज़ें हो सकता है साइड में देखें, क्योंकि SGX निफ्टी भी आपको 38 अंकों की बढ़त दिखा रहा है। आज का अपने आउटलुक जो कहना अनिशा वो भी कुछ इसी तरह से ही है। आप देखिए मार्केट के पास दो अच्छे ट्रिगर्स हैं। पहले तो 9800 का लेवल्स है जो उसने गेन किया, अब उसको होल्ड कर रहा है SGX निफ्टी, उसमें बढ़ोतरी दिखा रहा है। तो आज आप एक काम कीजिए, हल्की खरीदारी कीजिए। आज आपको ये नहीं देखना कि बाजार जाएगा कहां तक, आज आपको ये देखना कि बाजार अब टूटेगा तो नहीं। 9750 ये पिछले 2 दिन का पड़ाव ऐसा है जब मार्केट ने इसको बेस बनाने की कोशिश की है। जब आप चढ़ाई पे चढ़ते हैं ना तो बेस कैंप बनाते हुए चलते हैं, तो ये बेस कैंप है एक तरह का। 9750 के टूटने के बाद ही आपको नीचे की तरफ देखना है, अदरवाइज शायद इमीडिएट बॉटम बनाता हुआ दिख सकता है, क्योंकि 2-3 अच्छी खबरें भी आई हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात अगर आप आउटलुक में देखेंगे, बैंक निफ्टी है 24250 तक जा सकता है। आज MPC यानी कि मॉनेटरी कमेटी की बैठक भी है, और ये आगे चलकर एक ट्रिगर भी दे सकती है अगर ब्याज दरों में कट हो जाए। एक पोल भी उतारेंगे, क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट्स वो भी बताएंगे आपको। ऑयल एंड गैस, बैंकिंग, फार्मा, IT, ये 4 ऐसे सेगमेंट हैं जिसमें अपने ट्रेड को आपको क्लब कर देना है या फिर इन पर ज्यादा फोकस रखना है। अपने वित्तीय सलाहकार को भले फोटो खींच के भी दिखा दीजिए कि 4 सेगमेंट में मेरे को अच्छी चीजें बताइए जरा। FIs की लगातार बिकवाली बढ़ रही है, इसलिए बड़े सौदे बनाने से रुकना चाहिए। आज सुबह सुबह ब्रजेश मासा जुड़े थे, उन्होंने भी ये बात रखी थी कि आपको एकदम से नहीं उतरना, आपको अपना पेशेंस नहीं खोना, कॉन्फिडेंस दिखाना लेकिन पेशेंस नहीं खोना, इसमें फर्क है। अक्टूबर सीरीज की तिमाही नतीजों के साथ ही शुरुआत हो रही है। ये अक्टूबर सीरीज लास्ट ट्रेडिंग सेशन के साथ शुरू हुई,
फिर छुट्टी आ गई सोमवार की, तो अब जब हम सीरीज के साथ उतर रहे हैं तो 7-8 तारीख से अच्छे नंबर्स भी आना शुरू हो जाएंगे। तो आज ही ऐसे सावरिया एग्रो के भी नंबर्स हैं, छोटा शेयर है लेकिन उसके नंबर अच्छे हो सकते हैं। अक्टूबर की 10,000 की कॉल, 9,800 की पुट में आप अगर आप कामकाज करना चाहें तो एक बेहतर कॉल पुट हो सकती है जिसमें आप एक ट्रेड ले सकते हैं। 9,800 की कॉल पुट अभी हम थोड़ी देर में आपके सामने शेयर भी करेंगे क्यों हम 9,800 की कॉल पुट के बारे में कह रहे हैं कि आप इसमें ट्रेड करें। हमारे गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अविनाश कुराशकर हमारे साथ है। अविनाश, इस हफ्ते से सिर्फ 4 दिन ही है ट्रेड करने के लिए, आपको लगता है कि पॉजिटिव बायस बना रहेगा पूरे हफ्ते? मुझे लग रहा है कि आई थिंक मार्केट्स क्लियरली स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन दिखा देंगे। मेरे ख्याल से ओवरऑल मार्केट का मूड भी अच्छा है। यूएस के मार्केट्स में जिस प्रकार की अपसाइड हमने कल देखी थी, मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत इफेक्ट एशियन मार्केट्स इंक्लूडिंग इंडियन मार्केट्स पे आएगा, बट उसके बाद मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी ज़्यादा फोकस में रहेगी। ठीक है, एक आंकड़ा जो 9,800 की कॉल पुट आपके सामने रखना चाहता हूँ, जरा दोनों आप दिखा दीजिए, 9,800 की कॉल और 9,800 की पुट। अनिशा, एक कॉल और पुट अगर किसी को नहीं समझ में आ रही तो भले सीधा सा एक संकेत है, 9,800 की कॉल बाजार के अंदर तेजी है, वो फिलहाल अभी बिक रही है, तो बाजार के अंदर आपको बड़ा सौदे नहीं ले लें। एसजेक्स निफ्टी दिख रहा है लेकिन 9,800 की कॉल के अंदर एग्रेसिव बाइंग नहीं है। अब पुट, 9,800 की पुट यानी कि मंदी, वो भी बिक रही है मार्केट में, जब तेजी बिक रही है तो मंदी भी बिक रही है, इसलिए जंक्शन बनाने का समय है, ये बाजार के अंदर कंसोलिडेशन का समय है, बड़े सौदे लेने का समय नहीं, अपने अपने सौदों को संवारने का समय है, जहां पे फंसे हुए थोड़ा निकलें, जहां पे एवरेज की गुंजाइश है वहां पे कर सकते हैं, इसलिए कॉल पुट रखना मेरे लिए बहुत जरूरी था, हमने आपके सामने रखा। एक आंकड़ा मैं जल्दी से और रख दूं तो वही इंस्टीट्यूशनल की सेलिंग का, एफआईआई की सेलिंग हुई है फिर से 1,500+ करोड़ रुपए की, ये बाजार के लिए बिल्कुल अच्छे संकेत नहीं है। आपके दो फॉरेन वाला हिस्सा, पहला फॉरेन रिपोर्ट्स और दूसरा फॉरेन कारोबार, ये दोनों ही भारत पे लेकर ज्यादा बुलिश नहीं है, वो तो रेटिंग घटा रहे हैं जीडीपी की और यहाँ पे आंकड़े हमको माइनस दिख रहे हैं। और अपने जो डोमेस्टिक ट्रिगर्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, एसबीआई लाइफ की लिस्टिंग है आज, और पूरा ऑयल एंड गैस स्पेस फोकस में रहेगा क्योंकि हमने देखा है कि दिल्ली में डीजल प्राइसेस रिकॉर्ड हाई पे आ गए हैं, और जैसे हम आपको बता रहे थे नेचुरल गैस का जो प्राइस रीसेट होता है वो हो चुका है, और नेचुरल गैस प्राइसेस 17% हायर सेट किए, एक फॉर्मूला है जिसे प्राइस डिटरमिन किया जाता है, हम एक्सपेक्ट करते हैं 13-15% इंक्रीज होगा, 17% इंक्रीज हुआ है, और IGL ने दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में प्राइस हाइक ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है। CNG प्राइसेस बढ़ गई हैं दिल्ली, नोएडा, गाज़ियाबाद, फरीदाबाद में, और ये ऑयल एंड गैस स्पेस पूरा फोकस में है। ATF प्राइसेस भी बढ़ाए गए हैं। अविनाश से पूछ ले आज, क्योंकि काफ़ी रिपोर्ट्स भी आई हैं इसको लेकर। अविनाश, आपका व्यू क्या है ये ऑयल एंड गैस को लेकर? ये अब पहले से तय था कि दाम बढ़ सकते हैं, सरकार ने दाम बढ़ाए, अब कंपनीज भी दाम बढ़ा रही हैं। नहीं, मुझे लग रहा है कि ऑयल एंड गैस स्पेस में डेफिनेटली अगर हम नेचुरल गैस की कंपनीज देखें तो हमको लग रहा है कि इंद्रप्रस्थ गैस और महानगर गैस में डेफिनेटली एक पॉजिटिव रुझान हो सकता है। रही बात ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की, तो हमको लग रहा है कि क्रूड के प्राइसेस में जो कटौती देखी है वो डेफिनेटली ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए काफ़ी अच्छी बात है, और यहाँ पे हमको लग रहा है कि अगर यही ट्रेंड रहेगा तो डेफिनेटली ऑयल मार्केटिंग कंपनी जैसे HPCL, BPCL यहाँ पे पॉजिटिव रुझान होगा, बट ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है दोनों ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और गैस कंपनीज के लिए। ठीक है, अविनाश आपके आज की ट्रेडिंग पिक कौन सी है, आप कौन से टॉप ट्रेड देख रहे हैं आज? डिम्पी, हमको दो स्टॉक पसंद है, इनफैक्ट न्यूज फ्लो और फंडामेंटल्स दोनों देखने के बाद हमको हिंडाल्को पसंद है। हमको लग रहा है कि हिंडाल्को करीबन 240 में अगर कोई शॉर्ट टर्म ट्रेड भी लेता है तो अच्छी अपसाइड आ सकती है, यहाँ पे करीबन 254-255 का टारगेट लेके पोजिशनल ट्रेड हम ले सकते हैं, और यहाँ पे रीज़न ये है कि एल्यूमिना के प्राइसेस करीबन 14-15% बढ़े हैं, तो हिंडाल्को इंटीग्रेटेड प्लेयर है, इनको ज़रूर फायदा होगा। और दूसरा स्टॉक होगा बजाज ऑटो। बजाज ऑटो में हमको लग रहा है जिस प्रकार का वॉल्यूम ग्रोथ इन्होंने अभी इस महीने दिखाया है सितंबर के महीने में, हमको लग रहा है कि डेफिनेटली इसमें एक अच्छी बढ़त देखने की पॉसिबिलिटी है, करीबन 3130 का नियर टर्म टारगेट रहेगा। ठीक है, तो हिंडाल्को पे आप ध्यान रखें और दूसरा बजाज ऑटो, वैसे भी ऑटो सेल्स के नंबर आए हैं इसको लेकर हम पूरी डिटेल लेकर आपके सामने आंकड़े रखेंगे कि कैसे ऑटो सेल्स के नंबर रहे हैं, लेकिन अच्छी बात है कि ऑटो सेल्स के नंबर बेहतर हैं, कैसे कैसे कितनी कितनी ग्रोथ अभी आपको दिख जाएगा। हिंडाल्को एक और शेयर है जिस पे ध्यान रखा जा सकता है। राजेश भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी एक बार समझ लेते हैं उनका आउटलुक क्या है, उनका आज के शेयर कौन से है। राजेश, शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। आज आप ट्रेड कहाँ पे करेंगे,
सिर्फ मेरे को शेयर बताइए कहां पे ट्रेड करेंगे आज आप? डिम्पी मुझे लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग सर, कांग्रेचुलेशंस फॉर द न्यू स्टूडियो। देखिए डिम्पी, सीमेंस मुझे लगता है कि सीमेंस में हमने एक अच्छा खासा एक करेक्शन देखा है 1450 से लेके लगभग 1170 तक, तो मुझे लगता है कि सीमेंस में इज रेडी फॉर अ टेक्निकल बाउंस और अ टेक्निकल पुल बैक, विच आई वुड लाइक टू प्ले कि अगर बाजार में भी प्रेशर भी रहेगा तो ज़्यादा सीमेंस में आएगा नहीं, तो सीमेंस 1180 के आसपास बाय करें। मुझे लगता है लगभग 1240 का इसका टारगेट है। सेकेंड बाय कॉल है मेरा वो रहेगा सन फार्मा पे, 503 के आसपास का इसका प्राइस है। हम देख रहे हैं कि करीबन इट इज कंसोलिडेटिंग नाइसली अबव 490-95 ऑड लेवल, तो मुझे लगता है कि 490-95 के ऊपर सन फार्मा का बायस पॉजिटिव रखे, देयर इज अ स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी कि ये इस एक्सपायरी में 550 तक जाएगा। एंड एलआईसी हाउसिंग विच इज जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपके साथ शेयर किया था, एलआईसी हाउसिंग हमें लगता है कि अगर आज भी ट्रेड करना है तो 625 के ऊपर बाय करें, 620 का एक छोटा स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अपसाइड में इसका जो टारगेट पेंडिंग है वो है 650 का। ठीक है, एक एलआईसी हाउसिंग है उनकी तरफ से, इस पे ध्यान रखा जा सकता है। राजेश कह रहे हैं कि बस सन फार्मा भी खरीदा जा सकता है, फार्मा पे ना उनकी बहुत अच्छी पकड़ भी है, वो लगातार ग्लेनमार्क, टीवी, सन फार्मा, तीन चार पर्टिकुलर शेयर्स हैं जो उनकी लिस्ट में रहते हैं। आज भी वो कह रहे हैं कि एक बार सन फार्मा पे ध्यान रखें, सीमेंस है, एलआईसी हाउसिंग है, ये कुछ एक पर्टिकुलर शेयर्स है। और अविनाश भी कह रहे हैं कि हिंडाल्को पे ध्यान रखा जा सकता है, बजाज ऑटो पे ध्यान रखा जा सकता है। तो चार पांच शेयर आपके सामने आ चुके हैं जिन पे आप ध्यान देकर आज ट्रेड कर सकते हैं। रजत भी मेरे साथ जुड़े हैं, उन्होंने भी कई ब्रोकिंग हाउसेज से बातचीत की है, काफी सारे ट्रेडिंग कॉल्स आपके लिए लेके आए हैं। जरा रजत को भी सुनिए और समझिए कि कौन से ट्रेड है, स्टॉप लॉस भी सुनिएगा, ध्यान से नोट भी कर लीजिए। रजत बताएं आप। बिल्कुल, IDBI कैपिटल आज ट्रेडिंग बेट लगा रहा है पावर ग्रिड पे, उनका मानना है बहुत समय से चला नहीं, अब इसकी बारी है चलने की। 217.5 के टारगेट के लिए पावर ग्रिड को पोर्टफोलियो में शामिल किया जा सकता है, 207.80 ये एक स्टॉप लॉस दिया गया आज के लिए। दूसरा स्टॉक है टाटा केमिकल, देखिए टाटा ग्रुप के स्टॉक्स तो वैसे मोमेंटम में जिसमें टाटा केमिकल, स्पॉन्ज और टाटा मोटर्स की हो सकता है कि आज बारी हो। टाटा केमिकल्स अगर आप खरीदते हैं तो 655 का टारगेट रहेगा, 637 ये एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। इन्वेस्टर पॉइंट के रडार पर है L&T इन्फोटेक, यहां तो एक खबर भी आई कि CBDT से 10 करोड़ $ का ऑर्डर मिला है, लेकिन अगर ट्रेडिंग पोजीशन लेते हैं L&T इन्फोटेक पे तो आज का टारगेट होगा 825 का, स्टॉप लॉस 789 का इस ट्रेड पे आपको लगाना होगा। और दूसरा स्टॉक ऑटो प्ले है अशोक लेलैंड, जिसमें ये टारगेट आज के लिए लेकर चल रहे हैं 130 का और 121, ये अगर आप ट्रेडिंग पोजीशन लेते हैं तो अपने स्टॉप लॉसेस को फॉलो कीजिए। चॉइस ब्रोकिंग MOIL पे पॉजिटिव बेट लगाने की सलाह दे रहा है आज के लिए, इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिए ही टारगेट है 198, स्टॉप लॉस 185। और एक प्ले है फ्यूचर कंज्यूमर, जिसमें टारगेट वो 65 के लेकर चल रहे हैं और 57 का आज के सत्र के लिए एक स्टॉप लॉस फॉलो करना है। ठीक है, ये काफ़ी सारे शेयर्स आपको रजत ने बताए, उम्मीद करते हैं सारी की सारी ट्रेडिंग कॉल्स आपके लिए फायदे का सौदा तो होंगी। आप भले ठीक है 10 शेयर मत लीजिए, हो सकता है आपके पास पहले से शेयर हो तो आपको रणनीति पता लग जाती है, आप एक दो शेयर भी लेंगे तो उम्मीद करते हैं अच्छा फायदा आपको मिल जाएगा, इसलिए सभी के सभी शेयर्स नोट कर लीजिएगा और अपनी च्वाइस, अपने डाटा, अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेके आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक का समय हो गया, एक ब्रेक ले लेते हैं, जब ब्रेक के बाद लौटेंगे ना तो संदीप हमारे साथ होंगे। आज आरकॉम का दिन अच्छा रहने वाला है बुरा रहने वाला पता नहीं, तो लेकिन हमारी कोशिश होगी आपको थोड़ा बता पाएं कि अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा दिन, और कुछ खबरों वाले शेयर्स भी हैं, अंचल भी हमारे साथ होंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं।